खोपचे वाली जगह है कपल्स के लिए। Hey guys, good morning. तो कैसे आप सब लोग? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। So guys, good morning to everyone. So guys, अभी मैं सो के उठी हूँ और अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। पहले हम थोड़ा सा घर का काम कर लेते हैं और उसके बाद जाएंगे। मैं कल से इनके पीछे बर्थडे के घूमने चलते। रात को सडनली हमारा प्लान बना था हम आगरा जाएँ या फिर काम पर बोल रहे थे आगरा जाएं, गुरुद्वारे जाएं, ऐसे ऐसे कुछ कुछ हो रहा था, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया कि हम सुबह मॉर्निंग में जाएंगे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं आपको पहुँचने के बाद बताऊँगी, अब मुझे पता चलेगा तब बताऊँगी। अभी गए हैं गाड़ी साफ़ करने के लिए। जैसे ही ये आएंगे मैं नहा लेती हूँ और नहाने के बाद रेडी जाती हूँ। मैं आ चुकी हूँ नहा कर और मैंने पहना ये रेड कलर का टॉप और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूँ और क्या पहनूँ। तो गाइस मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अभी तो खैर मैंने बूट वगैरह नहीं पहने तो मैं गाइस आज बूट पहन कर जाऊँगी और ये रेड कलर का टॉप तो आपको दिख ही रहा होगा, मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो गाइस आप ऐसे देख लो, ये रेड कलर का टॉप है, ब्लैक कलर की जैगिंग। अभी तो मैंने खाली ऐसे नॉर्मली स्लीपर पहनी हुई है बट अभी मैं बूट पहनूंगी और जाऊँगी। गाइस अभी ये रेडी हो रहे हैं, मतलब अभी इतना लेट आए हैं ये और पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। बोले 10 मिनट्स में रेडी हो जाऊंगा, 10 मिनट्स में रेडी हो जाऊंगा। तो देखते हैं कि 10 मिनट्स में कितनी जल्दी रेडी होते हैं। वैसे मैं तो आपको दिख रहा है मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में ये तैयार होंगे। जी मैं यार बहुत लेट करती हूँ, इन्होंने हमेशा ना ऐसी पोपट काटते हैं। आपको पता है गाइस 2:30 बज रहे हैं और हमें सुबह 10 बजे निकलना था। सोचो कि हम कहाँ जाएंगे अब इस वक्त, पहले तो मुझे ही नहीं पता कहाँ जाएंगे और अगर जाएंगे भी ना तो कहीं आसपास ही जाएंगे क्योंकि जितना इन्होंने टाइम कर दिया। और गाइस देखो मेरे बाल, अब मेरे बाल बड़े हो गए हैं थोड़े पहले से, देखो मैं हेयर वॉश करके आया हूँ। और गाइस आपको बताओ मेरा लिपस्टिक शेड कैसा लग रहा है, मैंने ना 2 लिपस्टिक से करके बनाया ये वाला लिपस्टिक शेड। वैसे तो ये स्ट्रेस पे मैच नहीं हो रहा बट मैंने लगा लिया क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था। और गाइस आज ना मैंने आईज मेकअप भी करा है अगर आपको दिख रहा हो तो ये किया है मैंने। तो चलो चलते हैं, मतलब चलते नहीं, मैं पहले बूट पहन लेती हूँ उसके बाद ये 5-7 मिनट में आ जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम जा रहे हैं। तो गाइस देखो मैंने भी अपने बूट पहन लिए और मैंने ज़्यादा अच्छे बाल नहीं काटे हैं, नॉर्मल से सिंपल से बाल काटे हैं और वहाँ पे जाकर ये देखेंगे कैसे करने वाला हूँ मैं। और मेरे बूट उन्होंने आज गाड़ी धो के एकदम चमका दी और ये फेमस गाड़ी यहाँ की। टी शर्ट पहन के जाओगे अब आप? तो गाइस चलो अब हम निकलने के लिए तैयार हो गए। अभी हम बैठ रहे हैं और अब हम जाएंगे। आज देखा मैं रेड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहन लग रहा है। अरे ये कौन सा कैमरा लग गया, इसमें तो ब्लर आ रहा है। कोई बात नहीं। सो गाइस अभी हम चलते हैं और देखेंगे कहाँ जाएंगे। जहाँ जाऊँगी वैसे तो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। और चलो चलते। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अभी इंडिया गेट, लेकिन हम इंडिया गेट नहीं जा रहे। तो ना हम कहाँ पे जा रहे हैं यार, मुझे तो लगा इंडिया गेट तक ही जाएंगे। इंडिया गेट नहीं जा रहे अभी हम। तो गाइस रुको मैं आपको ना इंडिया गेट दिखाती हूँ। इंडिया गेट का रास्ता बंद कर रखा है इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा रहे, 26 जैन की वजह से। और गाइस देखो मैं आपको दिखाती हूँ, रुको एक मिनट। गाइस देखो वो रहा इंडिया गेट, दिखा आपको तिरंगे के बीच में से। वंदे मातरम। सो गाइस हम आ गए हैं सुंदर नर्सरी, पता चल गया आके, मुझे लगा हुमायूं का मकबरा जाएंगे बट हम आए हैं सुंदर नर्सरी जो कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। और गाइस हमें बाहरी गाड़ी लगानी पड़ी है क्योंकि अंदर पार्किंग हमारी पूरी फुल हो गई थी और अभी हम पैदल पैदल चल के जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से ना थोड़ा सा दूर है। अब मैं अंदर चलती हूँ और आपको दिखाती कैसा कैसा रहे। सो गाइस यहाँ पर लेनी पड़ती है अंदर जाने के लिए टिकट और टिकट का चार्जेस है 4 आवर्स का 100 रुपीज़ का। तो ये वही लेने गए हैं, पर पर्सन 100 रुपीज़ का है। और अभी हम जाएंगे और ये देखो गाइस गवर्नमेंट नर्सरी बहुत ही सुंदर है। हाँ 100 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पार्किंग फुल है ना, आप बात कर लो फिर। सो गाइस ये है गवर्नमेंट नर्सरी जो कि बहुत सुंदर है और अंदर का व्यू भी और भी प्यारा होगा, यहाँ का भी अच्छा है।
गाइस पेमेंट तो हो गई, लेकिन अब ये जैकेट लेने के लिए गए, इनकी जैकेट रही थी, मैंने बोला आते वक्त ले लेंगे, नहीं 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 इन्हें ठंड लग रही है, तो अभी जैकेट लेने गए और मेरे को यहाँ छोड़ गए अकेला। और अब मैं वेट कर रही हूँ गाइस, अंधेरा भी हो रहा है हल्का हल्का। गाइस आ गया ये अपनी जैकेट लेके, मोटू बहुत पिटाई खाएगा। क्या नाम? हो गई पेमेंट, टिकट। सो गाइस यहाँ पे बना हुआ है कि मकबरा, और इसके बारे में जो डिटेल है वो हमें अंदर से मिलेगी। चलो अब हम इसमें चलते हैं, अब हम इसमें चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है इसमें। देखो वाह, हाँ हाँ कबूतर। सो गाइस ये है अच्छा है ना। अब गाइस यहाँ से हम निकल गए बाहर, सो ब्यूटीफुल। अच्छा पानी के रास्ते से यही दिखा रखा है। हाँ हाँ हाँ। सो गाइस सबसे ब्यूटीफुल है ये छोटी सी झील, जो कि मैंने मतलब सबके आने से पहले ना ऐसे देखी थी, मतलब फोटो में कि सुंदर नर्सरी हमारा मकबरा कैसा होगा। तो ये गाइस वो झील छोटी सी, जो कि बहुत 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 प्यारी लग रही है यहाँ पे, और सच्ची में बहुत सुंदर है। देखो गाइस है ना सुंदर, निकल रहा है इट्स नॉट टू एंटर और टच चाहे। और देखो गाइस इसमें ना पानी आ रहा है इसके अंदर से, देगा हमारा नोनू किधर चल रहे हैं, अभी रुक जाओ। सो गाइस आपको झील दिखा दी मैंने, और देखो आपको कुछ और दिखाते हो। गाइस देखो कितने ब्यूटीफुल से प्लांट्स हैं, है ना सच्ची में। गाइस अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो आपका सच्ची में ही दिल खुश हो जाएगा, इतने प्यारी प्यारी यहाँ पे प्लांट्स हैं और इतने प्यारे प्यारे फूल्स हैं सुंदर सुंदर। और अभी ना कुछ और दिखाने जा रही हूँ मैं, उधर जा रहे हैं दूसरी तरफ। किस तरफ जा रहे हैं अभी? आगे की साइड। अभी हम आगे की साइड जा रहे हैं, और अच्छे अच्छे देखने को। गाइस सच्ची में बहुत बहुत सुंदर है, अगर आप दिल्ली में रहते हो और यहाँ नहीं आए ना तो फिर बेकार है ना। हम भी बेकार ही थे अगर हम यहाँ नहीं आए थे, मतलब शांति और सुकून चाहिए ना तो आप यहाँ आ सकते हो। दिखाऊं आपको बैक कैमरे से। सो गाइस देखो हम ये दिखाने आए थे आपको, कितने प्यारे प्यारे फूल्स हैं, और इनकी स्मेल्स ना बहुत ही अच्छी है उधर, पिंक रेड। अगर देखो ये रियल है, कैसी लग रही है? आहा कड़ा है ना। बस 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 हिल जाएगी पूरी। गाइस देखो मैं आपको अंदर जा जा के दिखाती हूँ, कितने प्यारे प्यारे हैं। मैं इससे ज्यादा अंदर नहीं जा सकती क्योंकि एक अच्छा सा रास्ता बना हुआ नहीं है उस तरफ है। कौन सा फूल बोलते हैं ना इसे? वाओ गाइस देखो, ओए ओए इनमें ततैया है, मधुमक्खी है गाइस। और इधर ये पीले वाला फूल है, उधर दूसरे वाले फूल है, हैं उधर गेंदे के फूल हैं, और हाँ वो रहे उधर तो गेंदे के हैं। मैं इनको तो यहीं से दिखा देती हूँ, उधर नहीं जा रहे। और इधर है रेड वाले फूल हैं, ये रहे। सो गाइस अभी हम आपको दिखाने चल रहे हैं रोज, रोज़ी है ना। अभी हमने आपको फूल दिखाए कितने सारे सुंदर सुंदर, अभी हम रोज़ की तरफ जा रहे हैं। मैंने भी रोज़ जैसे कपड़े पहने हैं। उधर है इधर पूरे नहीं है, नो नहीं रोज नहीं है, पागल बना रहा करती। तो चलो गाइस अब हम आपको मिक्सेस फूल दिखाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, रोज नहीं है ये, वाइट वैसे वाले हैं। सो गाइस ये वो रेड वाले फूल हैं जो ये आपको दिखाने के लिए बोल रहे थे रोज रोज है, तो ये रोज नहीं है सच्ची में। गाइस दिल आपका सच्ची में खुश हो जाने वाला है अगर आप एक बारी सुंदर नर्सरी विजिट करते हैं तो। देखो सच्ची में बहुत प्यारी है। चलो अभी हम आपको कुछ और दिखाते हैं। सो गाइस ये है रहस्यमती चीज, पुराने जमाने का कुआं, ये इधर से ऐसा है, और यहाँ से दिखाते हैं आपको है रुको। सो गाइस ये है कुआं, यहाँ पे
जिसमें कि पानी है। हाँ गाइस देखो इसके अंदर है पानी, ये सूखा हुआ नहीं है, इतना साल पुराना है ये, जबकि सच्ची में बहुत सुंदर है। मैं भी चल रहा हूँ, रुक जा। सो गाइस यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं पुराने जमाने की। हाँ वाओ गाइस ये सच्ची में रोज है, और देखो ये वाले रोज है। ये तो बड़े पेड़ पे आते हैं ना, लेकिन नहीं। सो गाइस देखो कितना ब्यूटीफुल तक है। दिखा रही हूँ मैं गाइस, हैप्पी वंडर। सो गाइस देखो कितना क्यूट है। और चलते हैं, किधर चलेंगे? और उधर चलते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं पूरा मकबरा अंदर से होने वाला कैसा है। तो चलो चलते हैं, एक इधर से जीना है, एक इधर से। तो हम आ गए हैं यहाँ ऊपर, और अभी हम इधर से चलेंगे। ये बहुत ही कितने 500 साल पुरानी, ये बहुत पुरानी 500 से 600 साल पुरानी जगह है। और गाइस आ जाओ, वाह इट्स सो वंडरफुल। यहाँ पे ना सोने का सामान रखा हुआ था जो चोरी करके ले गए थे लोग। किसने चोरी कर लिया? देखिए ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ से चोरी करके ले गए ये सारा सामान। भाई से वो पुरानी जेल है जिसमें कोई नहीं जा सकता, तो आप भी नहीं जा पाओगे। आओ भाई, अब मैं इनका फोटो क्लिक करने वाली हूँ। सो गाइस देखो ये बंदा यहाँ पे फोटो खिंचवाएगा। लाओ गाइस, ये मकबरे के बाहर का व्यू है जो कि इट्स सो कूल। भाई गलत बात है, यहाँ से मत जा, मैं कैसे आऊंगी? आ भी जाऊंगी मैं। सो गाइस गाइस देखना है कितना आगे आगे भागा जा रहा है। मैं थक गया हूँ यार। गाइस यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है पुराने जमाने का। गाइस देखो ये सच्ची में पुराने जमाने का है। हाँ हाँ धूल मट्टी जम रही है, इसका मतलब तो पुराने जमाने का है। वो कहाँ भाग रही है? गाइस हम थकते थकाते आ चुके हैं यहाँ की कैंटीन, तो टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या अच्छा है, और आपको भी बताते हैं और आपको भी खिलाते हैं। सो गाइस बैड न्यूज़, यहाँ पे सिटिंग फुल है तो हम यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि देखो आप पीछे भीड़ लग रही है। तो अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आगे जाके शायद हमें कुछ अच्छा खाने को, कैंटीन या कुछ भी अच्छा मिले। है भी नो मेरा दिल तो है आवारा, न जाने किस। अभी ये वाली खुली है तो शायद इस वाले पे जाके देखते हैं। गाइस देखो आपको कैसा लगा हुआ, तो अभी हम इस वाले पे जाके देखते हैं। सो गाइस यहाँ का आप चार्ट देख लो, अगर आप आ रहे हो तो घर से आओ तो अपना खाना साथ में लेके ही आना, क्योंकि यहाँ पे देखो मोमो 6 पीस 210 है ना, 210 260 टिकटी कह रही हूँ। सो गाइस 80 रुपीज का यहाँ पे समोसा है, तो जब भी आओ घर से खाना वाना सब लेके आओ। और उसके बावजूद ना यहाँ पे इतना ज्यादा रश है कि आपका नंबर जल्दी से नहीं आने वाला। ओके गाइस, सो गाइस देखो यहाँ पे झूला भी है झूलने के लिए। सो गाइस यहाँ पे और आपको सुंदर नर्सरी के कुछ प्यारे प्यारे फूल, और यहाँ पर अगर आप किटी पार्टी वगैरह का कुछ फंक्शन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे होता है, हमें भी अभी अभी पता चला है। बट ये चीज़ तो इसकी परमिशन लेनी पड़ती होगी आई थिंक ना। और उधर चले क्या, उधर क्या? तो गाइस यहाँ पे हर जगह झूले वगैरह लगे हुए हैं, बट थोड़ी सी भीड़ है तो नंबर शायद थोड़ा लेट आए, बट सब कुछ है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ से कुछ है तो चलो चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या होता है। बड़ी यहाँ से दिखाती हूँ आपको, वाह ये पुराने जमाने के देखो घर। गाइस देखो यहाँ से वो झूला दिखाई दे रहा है आपको,
और ये ऐसा है और ये नो नो और ये रे हम दोनों इस खोपचे में। गाइस ये ना खोपचे वाली जगह है कपल्स के लिए। चल ऐसे नहीं है, सब आ सकते हैं जगह पे। तो गाइस अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, जगह बहुत ब्यूटीफुल है। कहाँ ले जाऊँ गाइस, ऐसे आपको दिख रहा है? ऐसे ही देख लो, मैं थक गया। अब गाइस देखो मेरे से पीछे इंडिया गेट में होता ना ऐसा बड़ा सा। गाइस ये पेड़ पे चढ़ने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, इसने अपने शूज भी उतार के डाल दिए। देख लियो पेड़ ना टूट जाए। मुझे डर लग रहा है इस जाने में। हेड बट के चली जाऊं जैसे मां गई थी मनाली में। फिर चढ़ी क्यों रही है? रोना कितना अच्छा है, मुझे जूते पहना रहा है। अभी मैं ना पेड़ पे जाने वाली थी तो मेरे को डर लग गया और अब मैं इसी के ऊपर बैठ गई हूं। देखो एक पिना दी गाइस उसने। अरे भैया भी बहुत अच्छे हैं, मेरी वीडियो बना रहे हैं। अरे भैया अब तो मुझे सच्ची डर लग रहा है यार, आ जाऊं मैं। थैंक यू। सो गाइस मेरे बाद नोना ट्राई कर रहा है पेड़ पे जाने के लिए और भाई साहब ये तो चढ़ गए। नोना हाँ कैसा लग रहा है? रुको ऐसे ही रुको गाइस, आपको देखना चाह रही है। गाने गाओ। मेरा दिल तो है आवारा, न जाने किस पे आया है। हैं गाइस अभी ये ना डर रही हो तने, चढ़ तो गई है ये। यार डर नहीं रही हूँ, अगर मैंने चप्पल ना डाली होती ना ऐसी। बैठ बैठ के उतर जा, बैठ बैठ के उतर जा। हद है, इसलिए कहता हूँ मोटापा कम कर ले। नहीं मोटापा नहीं, जूते पहने रहो। सो गाइस यहाँ पे ना इन्होंने कुछ फाउंडेशन लगा रखी कि अंदर नहीं जा सकते, लेकिन गाइस मैं आपको मिलवाती हूँ मोर से। आपको दिख रहा है? नहीं फाउंडेशन नहीं है गाइस, ऊपर से तो ओपन है। देखो को को। सो गाइस ये टास्क है, सो गाइस ये टास्क है कि इनको ना बिना पकड़े चढ़ना है। चढ़ 1 2 3 4 5 पकड़ो। ये जीत गया। पर आजा ओए, आजा 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 आजा, अरे आजा, जीतेगा अभी बिना पकड़े आ गया। सो गाइस हम यहाँ पे आके थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाना भी नहीं मिला, वहाँ लगी थी लंबी लाइन तो हम वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। फिर हम वहाँ से चल दिए और अब हम यहाँ आके सिट डाउन हो गए। हाँ भाई गाइस आज मैं सिम थका दिया, ऐसी जगह लेके आया, ऐसी जगह लेके आया इसने मुझे थका दिया आज। और अभी क्या करें, कुछ नहीं कर रहे, घर चल रहे हैं। चल अब गाइस घर चल रहे हैं। सो थक गए आज हम, चलो घर चलते हैं फिर और क्या करते हैं। सो गाइस चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। सो आपको होपफुली ये वाला व्लॉग बहुत मज़ेदार, मतलब अच्छा लगेगा, मज़ेदार। तो क्या कह रही है? तो गाइस अगर आपको इनसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप गाइस से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी पूछ सकते हैं। एटीट्यूड ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहन का है ना, नई जैकेट पहन गया है इसलिए। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू।